नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरात में भाजपा और हिमाचल में कांग्रेस इतिहास रचने की ओर, पार्टी मुख्यालय पर जश्न का माहौल। यूपी के मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव विजयी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दो दिवसीय देहरादून दौरा, 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी राज्यपाल और मुख्यमंत्री धामी करेंगे अभिवादन। हल्द्वानी में छात्र नेता पेट्रोल लेकर चढ़े छत पर, कुल सचिव का पत्र आने पर उतरे नीचे। एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने 3 आरोपियों को दिल्ली से किया गिरफ्तार। प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर 45 लाख की ठगी। पहाड़ों में कम नहीं हो रहे सर्दी के तेवर, मौसम विभाग ने जताया सर्दी बढ़ने का अनुमान। बर्फबारी भी छुड़ाएंगी धूजड़ी। अब खबरें विस्तार से। गुजरात में भाजपा इतिहास रचने की ओर है, वहीं नतीजों से पहले ही भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। काउंटिंग के रुझानों के मुताबिक भाजपा 182 में से 158 सीटों पर आगे है। आज भाजपा 1985 में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड तोड़ देगी। मोदी के गुजरात का सीएम रहते भाजपा ने 2002 के चुनाव में 127 सीटें जीती थी। आंकड़ों पर जाए तो 1985 के चुनाव में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। चुनाव नतीजों में यह नजर आने लगा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भारी मतों से जीत हासिल की है। मतगणना के बीच कांग्रेस के 35 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दिल्ली कार्यालय में जश्न मनाया। वहीं अब चुनाव के नतीजों की बात करें तो हिमाचल में सिराज से बीजेपी के जयराम ठाकुर जीते हैं। वहीं गुजरात में घाटलोडिया से बीजेपी के भूपेंद्र पटेल ने जीत हासिल की। सरदारशाह उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा जीते। हिमाचल में सुंदरनगर में बीजेपी के राकेश कुमार ने जीत हासिल की। गुजरात में नवसारी से बीजेपी के आरसी पटेल जीते हैं। राजकोट वेस्ट से बीजेपी की दर्शिता शाह ने जीत हासिल की है। वहीं मोरबी से बीजेपी के अमृतिया ने दर्ज की जीत। एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र कॉलेज की छत पर चढ़ गए।
छात्र नेता गौरव संबल प्राचार्य कक्ष की छत पर पेट्रोल से भरी बोतल लेकर चढ़ गया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने आगामी 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया। एमबीपीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य महेश कुमार ने कुलपति की ओर से जारी किए गए पत्र की प्रति दिखाई और तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। इधर इस खबर की सूचना पर मौके पर पुलिस प्रशासनिक अमला और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए। को बहाल करने हेतु हम छत के ऊपर चढ़े थे और अगर आज चुनाव की डेट नहीं आती तो हम आत्मदाह करने के बाध्य होते। जब आज हमारे संघर्ष की जीत हुई है, आज चुनाव की डेट आ चुकी है तो हम सब छात्रों एकता की जीत हुई है, छात्र नेताओं की जीत हुई। वहीं कोटद्वार में अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नजीबाबाद चौराहे पर फल सब्जियों रेडी वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने जिन स्थानों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे सरकारी संपत्ति पर किए गए उनको चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों से अवैध कब्जा तत्काल हटाने के निर्देश दिए। अभी आप लोगों ने संज्ञान में लाएगा उसको अतिक्रमण हटवाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा उसमें हमारे पुलिस के साथ सहयोग के द्वारा मतलब अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। उसमें सारे हमारे शहर में एक अतिक्रमण जितने भी खोगेज हैं खोगेज की एक सूची बना रहे हैं, करीबन 400-500 खोगेज की सूची है। उसमें एक बार मतलब पूरा व्यापक अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम है, पूरे खोगो वालों की एक सूची बना रखी है। वहीं कोटद्वार में पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर एक व्यक्ति से 45 लाख की ठगी की गई। व्यक्ति ने जिसकी सूचना कोटद्वार थाने में दी, जिसके बाद मामला एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे के संज्ञान में आया और एसएसपी पौड़ी के निर्देश पर साइबर पुलिस जांच में जुट गई। आपको बता दें कि 2 महीने पहले कोटद्वार निवासी ज्ञानेंद्र अग्रवाल द्वारा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था कि किसी ने फर्जी प्रदीप सिंह बनकर नकली दस्तावेज बनाकर उनके साथ 45 लाख रुपए की ठगी की है और फरार हो गए, जिसके बाद साइबर सेल की टीम जांच में जुट गई। मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे गिरोह के 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। कोटद्वार थाने में वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके उससे उसे रजिस्ट्री की है और उससे लगभग 45 लाख की ठगी की गई है। क्योंकि मामला गंभीर था इसलिए तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत करके इसमें टीम गठित की गई थी और जो इसमें अभियुक्त बताए गए थे, टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो शेष अन्य अभियुक्त है उनके लिए अभी टीम रवाना हुई है और विवेचना अभी इसमें पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र के जिलाधिकारी रीना जोशी ने क्षेत्र का भ्रमण किया। आज धारचूला क्षेत्र के भ्रमण के दौरान आपदा प्रभावित एलधारा क्षेत्र में भूस्खलन जोन का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जनरल मैनेजर टीएचडीसी अतुल जैन को निर्देश दिए गए कि भूस्खलन जोन के ट्रीटमेंट डीपीआर आगामी 25 दिसंबर तक तैयार कर ली जाए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी जिलाधिकारी से मुलाकात कर जल्द से जल्द एलधारा क्षेत्र के भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट कराए जाने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी रीना जोशी ने स्थानीय लोगों से कहा कि भूस्खलन जोन के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया गतिमान है, जल्द ही भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। देश के प्रथम सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत की आज प्रथम पुण्यतिथि है, जो पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय बिपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज सभी ने यह संकल्प लिया है कि जनरल बिपिन रावत के सपने पार्टी और सरकार पूरा करेगी। इस अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी हर वर्ष स्व
स्वर्गीय विपिन रावत की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। उनके असमय जाने से जरूर हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगा। एक चेन जो बहुत तेजी से चल रही थी उसकी गति धीमी हुई, लेकिन आज क्योंकि उनका ये दिवस आज हमने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में यहाँ पर हमने सभी ने उनका स्मरण किया है और ये संकल्प भी लिया है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार उनके जो सपने थे, उनके जो संकल्प थे, जो उनके मन में उत्तराखंड को आगे ले जाने के विचार थे, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हर वर्ष उनको इसी प्रकार से हम लोग उनका स्मरण करके, उनके बताए हुए मार्गों को पुनः स्मरण करके उस पर आगे चलने का काम करेंगे। हम इस अवसर पर रावत जी को श्रद्धा माने मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा समर्पित किए हैं और इस उम्मीद के साथ कि उनका जो बलिदान है वो यहाँ के युवाओं को प्रेरित करेगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, 8 दिसंबर 2021 आज का ही दिन वही दिन था जिस दिन जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित 11 अफसर तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। ये एक वैसा पल था जो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सदमा था। जी हाँ, जनरल विपिन रावत यह वही थे जो आर्मी के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी जिन्हें आर्मी ने अपने सर्वोच्च पद पर रखा था। उनका जाना सिर्फ देश ही नहीं पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए भी एक बहुत ही मार्मिक घटना थी। लोग उनके 8 दिसंबर को लोग भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में आज भाजपा कार्यालय में कई भाजपा नेता भी आए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश अध्यक्ष और कई भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। उनकी कमी की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, उनके नक्शे कदम पर चलकर देश की रक्षा करने की बात जरूर कही गई है। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं यशराज आनंद, जन टीवी, देहरादून। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला ही जारी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सफलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 225,000 महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने
बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहने, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में मैं सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, क्या बढ़िया काम किया आपने। इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। गुजरात में संतोषजनक चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया है और राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा की यह फेलियर है। तो वहीं इसके अलावा हिमाचल चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर के पूरी तरह से इसे भाजपा की उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल चुनाव परिणाम पर पूरी तरह से चुप्पी साधी और हिमाचल चुनाव परिणाम को लेकर के ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। वहीं इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी विधानसभा चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है, जो दिखाता है कि कैसे लगातार देश भाजपा को स्वीकार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी सोच के साथ पूरे देश के अंदर काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो विजन पूरे देश की जनता भलीभांति देख रही है और गुजरात के अंदर जो अभी परिणाम आए हैं, उसके परिणाम सभी जगह के आ रहे हैं, लेकिन गुजरात के परिणाम एक तरफा जो दिखाई दे रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि जो लोग आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे थे, जिन्होंने कभी भारत तोड़ने का काम किया था, चाइना को जमीन देने का काम किया था, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान देने का काम जिनके नेतृत्व में, जिनकी पार्टी के समय में हुआ था, उसको जनता ने नकार दिया है। इन सबको ये यात्रा वात्रा सब बंद करनी चाहिए, इसका कोई भी नतीजा नहीं आने वाला। क्यों जिनका खाता नहीं खुला उन्होंने, वो भी कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। तो कुछ बातें कुछ रणनीतिक होती हैं, कुछ विषय टारगेट दिया जाता है और कई बार जो हम अपेक्षा करते हैं उसके विपरीत भी जाता है। ठीक, स्वाभाविक चीज है, कोई अस्वाभाविक बातें नहीं, ऐसा दावा किया जाता है, टारगेट ऊंचा दिया जाता है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में इन दिनों धूप हल्की हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार लग रहे हैं। वहीं देहरादून में धुंध छाई रही, जिससे सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बाद में धूप निकल आई और ठंड से राहत मिल गई। वहीं अब राज्य के तराई क्षेत्रों में धीरे धीरे ठंड और बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम साफ रहने और ठंड में वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम साफ रहेगा। कुमाऊं मंडल की बात करें तो अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आसमान साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्र हल्द्वानी में धूप खिली रहेगी।
स्वास्थ्य के प्रति बेहद गंभीर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने गुरुवार को जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए संचालित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया और उपस्थित कार्मिकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि बीते दिनों जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण एवं उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्रदान करने और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए थे। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी विनोद कुकरेती, हरदेव राणा व अन्य उपस्थित रहे। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में गर्भवती महिलाओं को आवश्यक जानकारी देने के लिए और उनके स्वास्थ्य की पूछताछ करने के लिए कॉल सेंटर खोला गया है। इसका नंबर है 7417162869। इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति आकस्मिक परिस्थिति होने पर सूचना दे सकता है, किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल कर सकते हैं और इस फ़ोन नंबर से कॉल करके नवजात शिशुओं की और माताओं की कुशलता की जानकारी भी। सीएम धामी ने इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। सीएम ने विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद मार्केट का शुभारंभ हुआ। यह परियोजना 257.32 करोड़ की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। दरअसल दुकानें हटने के बाद से विधिवत काम शुरू हुआ है। देहरादून उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के ऐलान के बाबत बनाई गई कमेटी तेजी से अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में गठित कमेटी लोगों से अलग अलग इलाकों में जाकर बातचीत कर रही है और जल्द ही एक बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित होगा। सभी लोगों की सहभागिता, देखिए कोई भी काम है तो निश्चित रूप से उसमें सभी लोगों की सहभागिता हो, सबके विचार आएँ और स्टॉक होल्डर से भी बात हो। उसको लेकर जो कमेटी हमने यहाँ बनाई थी वो कमेटी लगातार काम कर रही है और जनसंवाद जगह जगह पर कर रही है, स्टेक होल्डरों से भी काम बात हो रही है और साथ ही साथ एक बड़ा जनसंवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित भी है उनका, उसमें सभी लोगों के सामने रखेंगे। इसके पीछे हमारा हेतु है कि इस समान नागरिक संहिता के उत्तराखंड में लागू हो जाने के बाद एक प्रकार की सरलता आएगी और जो कानून है वो सभी के लिए एक समान बन जाएगा। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।